Congratulations, Thank ma'am. you, thank you. Ma'am, how do we have to balance the timings given to like different subjects? Ma'am, क्योंकि एक subject हम पढ़ रहे होते हैं तो पिछला ma'am retention capacity उसकी weak होती रहती है. हाँ, Then you बिल्कुल start बिल्कुल. getting scared about कि वो हाँ. पिछला छूट रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं. ma'am वो balance कैसे करना है और ma'am कितना revision required है? के लिए मैं बोलूंगी, जैसे कि क्लास में जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको तो आप एकदम 100% दो. हम लोगों का क्या था, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो हम लोगों ने एक रूटीन बना रखा था, जैसे क्लास हुई उसके बाद जो भी टॉपिक, जैसे ऑर्डर टू रूल टू पढ़ा, उसमें हम लोगों ने 4 दिन डिस्कशन किया, तो हम यही बैठते थे, 2 घंटे बाद में हम डिस्कशन करते थे उस टॉपिक पे. ठीक है, तो अब ये यहाँ पढ़ा, यहाँ मेरा हो गया रिविजन, कल के लिए मेरा रिविजन पूरा है. ठीक है, कल जब क्लास में होगा वो मेन्स का एक आंसर राइटिंग कराते हैं सर, ये होगा, तो मेरा हो गया. उसके बाद फिर हम लोग जीके पढ़ते थे, फिर मैं घर जाती थी, घर जाके जब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके लाइब्रेरी जाती थी तब मैं पहले पुराना सब्जेक्ट उठाती थी, कोई कि भाई एक दो टॉपिक रिवीजन करते चलते पुराना सब्जेक्ट उठाती थी. उसके बाद फिर अगर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता था तो मैं वो करती थी, बट बहुत नहीं, अगर सर पढ़ा रहे हैं बस उस टॉपिक को करते चलो, लोड मत लो, सब कुछ ही मत लो, सर को दे दो, थोड़ी चीजें सर पे छोड़ दो, सर तुमको पढ़ा रहे हैं तुम कर लो वो टॉपिक, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो. क्योंकि देखो जैसे कि सर ऑर्डर टू रूल टू कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे साथ ये हुआ कि दिल्ली में कॉपीराइट का क्वेश्चन आया था, मैं कॉपीराइट पढ़ के नहीं गई थी, लेकिन वो ऑर्डर टू रूल टू का था, तो मेरे को ये पता था कि इश्यूज सेम है, कैसे सेम होते हैं और कैसे बाहर लगता है, तो इस चीज का मेरे को आइडिया था, तो मैंने कॉपीराइट नहीं पढ़ा, फिर भी मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया. तो ये चीज है, सर के ऊपर छोड़ दो, सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल उस टॉपिक पे 100% दे दो, और ढूंढ के ले आओ प्रॉब्लम्स, आपस में सर से नहीं पूछ पा रहे हो तो आपस में डिस्कस कर लो, और रात में भाई अपना जब फ्री टाइम हो तो एक पुराना सब्जेक्ट ले लो, जीके पढ़ लो, टाइम तो होता ही है. और फिर जब एग्जाम आएगा ना तो अगर आपका खत्म हो गया है सब कुछ, सर ने सब कुछ पढ़ा दिया है, तो फिर आप कर लोगे रिवाइज, लेकिन वो आंसर राइटिंग जरूर करना, वो 2 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कि वो 10 दिन में बस वही दिखता है,